टाइगर की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पे टाइगर भी है। मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई थी और उसके साथ इन लोगों ने वोडका दे दिया। अभी मत पियो, उसमें वोडका है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में। ये गेट आगे जब हम लोग बैठते हैं ना वहाँ वैसा लग रहा है। मैंने अपनी बहन को निकाल दिया है रूम से। यहाँ पर मुझे अपनी नेल्स कट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन जो है वो हमारा है डे टू इन थाईलैंड। आज हम लोग थोड़े से लेट उठे हैं, 11 बजे उठे और हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो गया। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि हमने नहीं खाया कुछ भी और हम लोग रेडी हो रहे थे अभी, तो मैंने चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने भी ड्रेस पहन ली अपनी, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। और अभी मुझे अपनी हेयर स्टाइल करनी है, सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमारा सारा मेकअप रखा है, यहाँ पे भी मेकअप रखा है जो कि हम लोग कर रहे हैं अभी। बाहर चल के मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग गेट रेडी विद मी बना रहे थे, उसके लिए यहाँ पे फोन लगा है। और बाहर का मौसम जो है अच्छा हो रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो बाहर आओ तो ठीक लगता है, सही है। और नीचे लोग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं नेल्स अपने दिखा देती हूँ एक और बार जिन्होंने नहीं देखे हैं। आज हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग ना थोड़ा ज्यादा सो गए, और ज्यादा नहीं सोए, वो इसलिए सोए क्योंकि हम लोग परसों से नहीं सोए थे सही से। जहाँ पे भी सो रहे थे तो मतलब वो ऐसे थोड़ा बहुत सो रहे थे, और अच्छी वाली नींद तो हम लोग ले ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने कल रात जो ली नींद उसके बाद हम लोगों को ना पता नहीं चला इतनी अच्छी नींद आई, उठे ही नहीं और फिर सीधा उठे तो 11 बजे फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया, अब क्या करें। मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाना तो भूल ही गई थी कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसे रेडी हुई। पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी हेयर स्टाइल जो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। मेरी जो ड्रेस है वो कुछ ऐसी है, ये वाइट ड्रेस है जो कि बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो, और ये बीजी वाइब्स दे रहा है बिल्कुल। और हमने जो है यहाँ पहनने वाले सारे कपड़े जो है ना वहाँ पे लगा दिए थे, तो मैंने अभी मुझे दिक्कत नहीं हुई, बस मैंने काला और पहना है बस। और मैंने ये पहना है। और गाइज मेरा जो मेकअप लुक है वो मैंने कुछ ऐसा किया है, ये मैं आपको धूप में दिखा रही हूँ। और अब हम लोग बस 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो हम लोग पहले कुछ खाएंगे उसके बाद जो आज की चीजें वो सब चीजें करेंगे। स्लीपर्स मैंने पहने ये रेड कलर के, और पूरी ड्रेस मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसी है, ये वाइट ड्रेस। नहीं बनाती तो सब भूखे जाते हैं, समझ गए। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, चाय और बिस्किट खा रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोग बिस्किट तो लेकर आए थे इंडिया से, चाय सही बहुत हमने बना ली। चाय बिस्किट इतना टेस्टी आज तक लाइफ में नहीं लगा है। देखो ये वाला बिस्किट, मेरे यहाँ का पानी ना अजीब सा आया, बिल्कुल नमकीन नमकीन। तू नाले का पानी पीती है नॉर्मली? कौन सा पीती है? समझना, कहीं पानी आता है ना, खाते हुए कितना देखोगे हम लोग को? लोग नहीं देख रहे हैं, तुम दिखा रही हो, सब आँख बंद कर लो। आप लोग आँख बंद करो, मैं खाने के बाद आपको मिलती हूँ, एक सेकंड के लिए बस बंद करना, बस करो जल्दी करो। हम लोग निकल रहे हैं, मैं घर से बोलने आ रही थी, होटल से निकल रहे हैं, चलते हैं। लोग तीनों रेडी है बिल्कुल। ये है थाईलैंड गर्ल, लिफ्ट चलाने नहीं आता। मैंने अपने स्लीपर जो चेंज कर लिए और पहन लिया ये वाला। वाओ, मैं तो आना लग रही हूँ। यहाँ पर अभी सब लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं और मैं भी करूंगी। उन्होंने सोचा कि चलो पहले ना पिक्चर्स ले लेते हैं उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। इसका लुक भी थोड़ा बहुत भी खराब होता है बाहर जाने का, पानी में, मतलब पानी में तो नहीं जाना लेकिन पानी के पास जाना है, तो अगर कुछ हुआ भी। ये देखो चश्मे बिल्कुल लगे पड़े हैं। यहाँ देखो किसी की आत्मा भटक रही है, घूम रही है, वो पंखे के अंदर। ये इसका सर और पैर जो है वो हमें नहीं दिख रहा लेकिन वो घूम रहा है इसके साथ साथ। लोग अब जा रहे हैं होटल से। छतरी उड़ गई और ये उल्टा हो गया हमारा अम्ब्रेला, और हम लोग ये लगाकर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ जाएगी बिल्कुल धूप, ऐसा लग रहा है। चढ़ भी गई, हमको तो चक्कर आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है तो कुछ ज्यादा ही लग रही है धूप। और यहाँ पे हवा चल रही है लेकिन इतनी भी हवा नहीं चल रही है, मतलब हवा चल रही है फिर भी गर्मी इतनी है ना, और वो अब भी हो रही है क्योंकि इस टाइम पे धूप कुछ ज़्यादा ही होती है, शाम से सही हो जाता है यहाँ का। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो इसलिए चल के जा रहे हैं हम लोग। After 15 minutes of walking, हम फाइनली आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में। इंडियन तो नहीं है ये, पर इंडियन खाना यहाँ पे मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिलती है। वैसे देखते हैं यहाँ खाना कैसा होता है। और इतनी ज़्यादा वॉकिंग कर ली कि मतलब चल चल के इतनी ज़्यादा धूप है कि उसकी वजह से सर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने तो अभी सोचा कि मैं पूरी अपनी बाल बाल बना लूँगी, बहुत गर्मी लगती थी। यहाँ का खाना कैसा था, हमने कुछ तो ऑर्डर कर दिया है, पूछ लिया है क्या क्या चीज़ें लोग यूज़ करने वाले हैं खाने में। यहाँ आना ना तो सबसे पहले ये पूछ लेना, अगर आप जैसे ये सोच के आ रहे हो कि इंडिया में भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल रहा है, तो ये ज़रूर पूछ लेना कि कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वो मिक्स ऑयल ही यूज कर लेते हैं, उधर थाई वाला बन रहा है इधर आपका इंडियन, आपका भी वही खाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट पूछ लोगे, इन्होंने डायरेक्ट बताया है कि वेजिटेरियन के लिए हमने अलग किचन बना रखा है लेकिन नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उसमें क्या है कि आपको ऑयल पूछना है बस। पहले पूछ लोगे तो आपका ही फायदा होगा। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके बाद सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जो कि यहाँ की कुछ है जगह, मैं आपको खुद दिखाऊंगी, मैं भी खुद पहली बार देखने वाली हूँ, चलते हैं वहाँ पे फिर दिखाएंगे आपको। पहले खाना, पहले खाना खा लेते हैं। यहाँ पे आएंगे रोटी और हम लोगों ने ये सब भी मंगा ली क्योंकि यहाँ का सब कुछ हमने पता कर लिया था। चलो हम लोग खाने के लिए देखते हैं कि क्या क्या है, कैसा टेस्ट होता है, मतलब क्या है, मतलब दिखने में अच्छा है बस खाने में अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ का मैंने आपको बताया था और हमने लंच कर लिया है। गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ में, और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सच बोलना होता है।
सब कुछ सच सच बोलना होता है तो हम लोग सच सच ही बोलेंगे। भाई साहब मैं चला नहीं जा रहा मुझसे, मुझे सारा सामान पकड़ा दिया, पकड़ो भाई इसको। फूड ब्लॉग बना रही है और मैं बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह चल रही हूँ, भाई पकड़ो इसको कोई, नहीं तो फिर नीचे छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, मेरे साथ ऐसे मत करो। का बर्थडे मंथ है वैसे। जहाँ पर हमें जो है टिकट लेनी होगी उसके बाद हम अंदर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। हम लोगों को टिकट मिल गई है, 20 मिनट हमें वेट करना होगा, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। हम लोग यहाँ के बैंड को लगाकर फ्रेंडशिप भी मनाएंगे। कोई पार्क जैसा लग रहा है, जैसे कोई पार्क होता है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी है करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, मतलब जैसे कि हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और एलिफेंट है, एलिफेंट पे भी बैठ सकते हैं। टाइगर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? टाइगर की आवाज़ आई यहाँ पे, टाइगर भी है। मैं टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर गाइस यहाँ पे तो टाइगर भी है। कितनी बार बोलेगी जिस गाइस, बहुत ज्यादा धूप लग रही थी तो मैंने बैंडाना लगा लिया है यहाँ पे। पागल लग रही हूँ बहुत बड़ी वाली, पता है मैं पागल लग रही हूँ, लेकिन इसलिए लगाया कि धूप से थोड़ा सा बच सकूँ। और सर पे बहुत ज्यादा धूप लग रही थी और मैं हैट लेकर नहीं आई अपने लिए, तो कोई बात नहीं है, धीरे ही लगा कर चलते हैं। यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला, ये क्या है? हम दोनों ये क्या कर रहे हैं? हम जो चीज देखने आए वो ये है यहाँ पे, ये अभी हमें शायद इसके अंदर ले जाया जाएगा या वहाँ पर ज्यादा क्लोज ले जाएंगे, अभी देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर नीचे, मतलब जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था जो व्यू, वहाँ पे जंगल लग रहा है भाई ये तो। यहाँ पे मिली हमें ये हेलमेट, ये लगा कर हमें चलना है सेफ्टी के लिए। सारे लोग हेलमेट में यहाँ पे, और मैंने भी लगा लिया है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है बहुत सारा काम जो हो रहा है, ये लोग कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। अभी जो हम जहाँ पर आए हैं ये सेंचुरी ऑफ फ्रूट, ये इन लोगों ने बताया कि ये म्यूजियम की तरह है और ये बहुत सारे ट्रेडिशन से फायर होकर बनाया गया है, जैसे इंडियन चाइनीज और बहुत सारे, तो ये टेंपल नहीं है। इन लोगों ने कहा टेंपल नहीं है उसको फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने कहा कि अगर आप कहीं पर भी पोस्ट करते हो कुछ बताते तो ये चीज़ जरूर बताओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मेरी जुड़ाव है। अरे वाह कितना क्यूटी है ये तो। दिखाना यार देखने दो भाई साहब, मकासा और विमसी दिख गए हमें। वाह मेरे को इस पे बैठने का मन कर रहा है, इतना बनाना खा रहा है क्यूटी। अरे वैसे ये मुझे कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कारीगरी बहुत सही की है इन लोगों ने, बहुत सही काफी सही तरह से बनाया, मैंने जैसा बोला था ना इन लोगों ने बिल्कुल वही सब किया है इसमें। काम अच्छा कर लेती हो वैसे तुम। यस बॉस पैसे तो दो। फिर आ रहा है इधर। अभी हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ले ली है, उन्हें जगह भी अच्छे से देख ली, काफी अच्छी से है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे तो ये। और बस गर्मी थोड़ी सी थी, अभी हम फैन के पास आ गए तो ठीक लग रहा है कि पता नहीं मेरे फोन की बैटरी जो है वो धूप में ज्यादा जल्दी खत्म होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जा रहे हैं यहाँ से होटल और हम लोग को नीचे से चल के ऊपर आना था, जिसमें बहुत टाइम लगा, गर्मी से हालत खराब हो रही है। अभी हम लोग उस जगह से आए हैं, उसके अंदर से आए अभी वापस, हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। यहाँ पे कैब आ चुकी है, चलो उसमें बैठते हैं। आने के बाद मैंने थोड़े अपने पैरों को बहुत ज्यादा ही गंदा कर लिया था और सनसेट हो चुका है यहाँ पे, मुझ पे बहुत मजा आया अभी बहुत ज्यादा। अभी हम लोग आके बैठ चुके हैं एक ऐसी प्यारी जगह पर, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा कल से मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर बैठूं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बैठ के हम लोग सोचे कुछ खाएं और सामने के व्यू को एंजॉय करें, तो व्यू आपको दिख ही सकता है कि कैसा है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और ये पूरा रूम जैसा है, मतलब छोटा सा मिनी, यहाँ पे हम बैठ कर कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और खा सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए वैसे तो, और सामने कितना सब कुछ ब्लू ब्लू लग रहा है यार, ये कोई क्यूट कपल भी दिख रहा है। मैंने मेन्यू में देख लिया कि हम लोग क्या खाना है, हम लोग सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा मंगाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी भूख लग रही है। हम लोगों ने जब लास्ट खाया था ना वहाँ पर जो इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे खाया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। और हम लोग यहाँ पर इतना चले थे ना वो सेंचुरी वाले में, बात तो भाई अलग खराब थी। उसके बाद हम रात का भी कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है और अब हमारा खाना आने वाला है। मेरा चार्जर यार रह गया है तो मेरा फोन ऑफ हो गया है, मेरा चार्जर ऊपर रूम में ही है और मैंने पावर बैंक लगा रखा है, पावर बैंक भी बंद हो गया है, बैकअप वाला था और जो पावर बैंक जो मेरा वायर से चलता है वो वाला ऊपर भुला गया। चलो देखते हैं, मैं अपने फोन को जल्दी से खोलती हूँ। मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई थी और उसके साथ इन लोगों ने वोडका दे दिया है, अभी मत पियो उसमें वोडका है। वोडका भाई क्या कर दिया इन लोगों ने, दूर रखो इसको, लिखा है उसमें वोडका लिखा है। गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारे लिए खाना, यम यम, और हमारा खाना आ चुका है, अब चलो खाते हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ और अब सामने का व्यू फिर से एंजॉय कर रही हूँ। मौसम काफी डरावना सा हो गया है लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है। लेट गई हूँ यहाँ पे, गाइस मैंने फ्लैश ऑन कर लिया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिख पाऊँ।
अब बस थोड़ी देर में होटल जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे अपने रूम में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जाना है इसके बाद बाहर। मैं भी आई थी ऊपर और मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। मैंने अपना बाल, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उनको बिल्कुल सही संभाल लिया। ऐसा हो गया कि मैं बाहर, मुझे अभी पूरी रात घुमा दो मैं घूम लूंगी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो अब हम जो दूसरी जगह जाने वाले थे वहां जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं वहां पे और दिखाते हैं आपको कि वहां पर क्या क्या चीजें होती है। और ये व्लॉग काफी लंबा चलने वाला है, तो खाने के लिए भी कुछ सामान ले आओ। खाते खाते देखो मेरा व्लॉग। मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में। ये जगह मुझे काफी ज्यादा वाइब वाली जगह लग रही है, मतलब यहाँ पर सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मसाज चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। भाई साहब कैसे कैसे गेम चल रहे हैं यार, यहाँ पर जितने भी क्लबिंग वाले लोग होते हैं ना वो सारे आए हुए हैं, जिसमें हम लोग तो नहीं करते वैसे क्लबिंग। ये क्लब है और ये सब चीजें जो यहाँ पे लोग करते हैं बहुत ज्यादा। ये देखो मुके शैतान, भाई साहब ये शैतान है। यहाँ पर तो लोग सिर्फ पागल हुए हैं क्लबिंग करके, और बहुत सारी चीजें शॉपिंग के लिए भी मिल रही है वैसे। और यहाँ पर ना इतना तेज म्यूजिक चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैंने अभी अपना कैमरा निकाल लिया था जिसे ब्लॉक करने के लिए। शॉपिंग के लिए भी वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये देखो चीजें मिल रही, फ्रॉक्स मिल रहे हैं, टी शर्ट देख लो। क्लब सारे खत्म हुए हैं तो अब म्यूजिक भी बंद हुआ है यहाँ पे का, मतलब पीछे हैं सारे और हम लोग आगे आ चुके हैं। और इतना तेज लग रहा था वो सारा म्यूजिक हम लोगों को कि बिल्कुल हम लोग आगे आ गए। और अब आगे आने के बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही है। तो आगे 7-Eleven और ये यहाँ का सबसे बड़ा 7-Eleven है आई गेस। ये यहाँ पर चॉकलेट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं हमेशा लेने के लिए, पर अभी तो हम लोग वैसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, देखते हैं अगर कुछ पसंद आ गया तो हम ले लेंगे। यहाँ के लेज में फ्लेवर ही नहीं होता है बिल्कुल भी। यहाँ आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एप्पल कटा हुआ मिलेगा, एप्पल स्लाइस। मेहनत नहीं करो, लो उठाओ खाओ। अगर फ्रेश एप्पल चाहिए तो वो भी है, लेकिन स्लाइसेस भी है। मैं उस लोग के लिए बताओ सी पपाया, जिनकी थाली अलग मिल रही है यहाँ। क्या कुछ ऐसा है जो हम खा नहीं सकते हैं, जैसे कि पोर्क विद राइस, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। मैंने ली यहाँ पे अपने लिए आइसक्रीम और ये मेरी फेवरेट है। मैंने आइसक्रीम लिया था उसका टेस्ट मुझे बहुत सही लग रहा है, तो मैं उसको खा रही हूँ। गाइस ये तो ऐसा कुछ पूछा भी नहीं कि मैंने, गाइस आप लोगों को दिखाया था कि मैंने आइसक्रीम लिया, तो मैंने सोचा मैं आपको ये बताऊंगी मैं खा रही। गाइस गाइस हर दिल की बात गाइस आप लोगों को पूछती है, फिर कोई और नहीं सुनता ना मेरी बात, कोई चीज़ की बात सुन लो सबसे ज़्यादा बेसिक तो मैंने कहा। हम लोग फिर से आ गए हैं यहाँ बीच पे और यहाँ Is this for rent? हमने यहाँ इन आंटी से ले लिया है ये। गाइस बड़ी मुश्किल से थाई, बहुत मुश्किल से इनकी लैंग्वेज समझ में आई, हम लोगों ने ट्रांसलेट करके देखा तब समझ आया हम लोगों को इनकी थाई लैंग्वेज थी। अब हम बैठते हैं इस पे। भाई साहब इंडिया गेट आ गए क्या? इंडिया गेट आके जब हम लोग बैठते हैं ना वहाँ वैसा लग रहा है, सच में सही लग रहा है। वैसे लाइट आपको जाते हुए दिख रही होगी, ये देखो ये लाइट इधर से उधर जा रही है। अब ये नहीं पता क्यों यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग आ चुके हैं होटल और मैं आपको चीज दिखाती हूँ। मैंने अपनी बहन को निकाल दिया है रूम से। निकल जा, चल जाओ मेरे होटल से, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी भागो भागो जल्दी, पागल हो गए हम लोग, चलो भागो जल्दी भागो। निकाल अपने लिए एक को रख रखा है जो मेरे सारी चीजें मेरी हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तैयार करने के लिए एक को मैंने रख रखा है जो की असिस्टेंट है मेरी। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, तो मैं सोच रही हूँ कि निकाल कर देती हूँ, असिस्टेंट बना देती है कहीं। अब गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करी हूं कि आज के लिए इतनी मस्ती तेरे पास बोलने हो चुकी है, मस्ती की बात नहीं गाइस, अब बकवास ही नहीं कर। आज की मस्ती खत्म, अब कल की मस्ती शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अब अभी का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो करो लाइक शेयर, और रेंट पे जो ज्वेलरी पहन रखी है सब निकाल। गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से। और ये तो निकाला जाता है ना, ऐसे नहीं करो भाई, हाथ तोड़ दो, हाथ तोड़ रही है मेरा यहाँ रख सब। गाइस एक और बात बोल देती हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, और आगे के ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहो। तब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर मुझे अपनी नेल्स कट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो नहीं निकल रहा था। नानी याद आ गई है, आज तक आज के बाद कभी नेल्स नहीं करवाऊंगी। फैशन में बहुत सही चीज, मैंने मेरा डिसीजन मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया ये करके। मेरा तो डिसीजन ये है कि ये सब चीज करवाई, जहाँ पर ये सब चीज हो रहा है। जो सारा जो यार नील आर्ट था, हार्ट बना हुआ था, वो सब कट के हाथ में आ गया है। निशान म्यूजियम में रखवाना, दांत है मेरा।
अब करवाएगी फिर से? नहीं नहीं, अगर ये इस बार बोल देती ना, कभी नहीं नेल्स नेल्स पे करवाओ ना, कभी नहीं रहता गाइस। मैं